कल रात में गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही थी यहाँ पे रोड पे, इस रोड पे मैं तो भाई मैं अब रात में निकला हूँ, आज पूरे दिन में निकला नहीं, खराब जाएगी गाड़ियों की, देख रहे हो किस तरह से, किस तरह। भाई अब जाके सारी गाड़ियां साफ हुई हैं 2 घंटे के बाद में, ये देख रहे हो 2 घंटे की मेहनत। तो भाई अभी मैं सो के उठा हूँ रात में, भाई साहब इतना डस्ट था कि सोना मुश्किल हो गया था, पूरे रूम में भाई साहब पूरे रूम में हमारे ये डस्टी डस्ट भरा हुआ था। तो इसको रात में साफ किया था उसके बाद में, क्योंकि सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो भाई यहाँ का ये जो डस्ट है ना, ये बहुत नुकसान करता है। सबसे मेन चीज़ जो बीमारी ये पकड़ता है भाई, सांस की बीमारी बहुत जल्दी ये पकड़ता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे जब ये हवा चलती है ना, तो दिक्कत उनको ज़्यादा, जिनको सांस की तकलीफ होती है ना भाई, फिर उनको बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो उनको क्या करते हैं वो लोग भाई, पंप रखते हैं अपने पास, क्योंकि दिक्कत हो तो तुरंत वो लगा लेते हैं। तो बहुत मुश्किल हुआ भाई साहब, बहुत मुश्किल हुआ। तो अभी उठा हूँ सो के, तो भाई कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई बहुत बुरा हाल है, अभी दिखाता हूँ अभी गाड़ियों पे, तो भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे कि तबाही, जैसे किसी ने ना बाल्टी भर भर के मिट्टी डाली हो, वही वाला हाल है। तो भाई साहब बहुत बुरा हाल है, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें यार, भाई के चैनल को यार सपोर्ट करो यार। तो चलो फिर अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो भाई साहब इतनी गंदी हो रखी है गाड़ियाँ, मैं क्या बताऊँ। तो भाई अभी सो के उठा हूँ सुबह, अभी तो 6, अभी 7 बजे हुए हैं, और जो रात में जो तूफान आया था उसका ये देख लो क्या हाल हुआ है, सारा पूरा मिट्टी भर चुकी है, पूरी भाई मिट्टी भर चुकी, देख रहे हो ये नीचे, ये गाड़ियों पे देखो कैसे पूरी मिट्टी भर चुकी है, पूरी गाड़ियों की ऐसी तैसी हो रखी, पूरी गाड़ी की भाई साहब ये देखो मिट्टी, देखो ये रात का भाई यहाँ तो यही है, ये सारी मिट्टी आती, देख रहे हो जितनी गाड़ियाँ हैं ये सब लत ऐसी तैसी कर दी है सारी गाड़ियों का, ये देखो पूरा भाई। आज तो साफ करते करते हालत ख़राब जाएगी गाड़ियों की, देख रहे हो किस तरह से हाल, ये तूफान का ये रात का ये सारा, ये रात की देन है, ये पूरी रात की देन है, पूरी गाड़ी ख़राब हो रखी, पूरी गाड़ी यहाँ से वहाँ तक पूरी ख़राब हो रखी भाई। अभी चलता हूँ एक एक करके, पहले इनको साफ़ करता हूँ, साफ़ क्या डायरेक्ट पानी मारूँगा इनको, उसके बाद में हला भला होगा। देख रहे हो क्या हाल हो रखा है इन गाड़ियों का, हो भाई इतना तूफान था रात में तो भाई सड़क नहीं दिख रही थी, तो ये तो हाल होना ही था। और अभी भी धुंध है, अभी भी हवा चली रही है, पूरी गाड़ियों में मिट्टी ऐसे लग रहा है किसी ने बाल्टी भर के डाली हो मिट्टी। तो अभी चलता हूँ पहले इस पर अपना भाई काम चालू करता हूँ साफ़ सफाई का, पूरा एकदम ख़राब हो चुका है। 2 घंटे के बाद भाई अब जाके सारी गाड़ियाँ साफ़ हुई हैं, 2 घंटे के बाद में, ये देख रहे हो 2 घंटे की मेहनत करने के बाद में इन सारी गाड़ियों की सफाई हुई है। और अभी भी फिर हवा चल रही, फिर सारी हल्की हल्की गंदी हो गई हैं, देख रहे हो 2 घंटे की मेहनत लगी सारी साफ़ करने में, 2 घंटे की इन सारी गाड़ियों को साफ़ करने में भाई 2 घंटे की मेहनत लगी है, 2 घंटे की, देख रहे हो सारी अब साफ हो गई सारी गाड़ियाँ, देख लो एकदम अब चमक रही हैं, चमक क्या अभी सारा डस्ट बैठ गया है सारी गाड़ियों पे। और भाई 2 घंटे लग गए आज गाड़ी साफ़ करने में, बता दे रहा हूँ आज बहुत बुरा हाल है, अभी भी इस टाइम बता रहा हूँ इतना बुरा हाल है कि क्या बताऊँ मैं, सांस नहीं ली जा रही, सांस ढंग से बिना मास्क के सांस नहीं ली जा रही ये सांस। भाई अभी मैं रोड पे निकला हूँ, आ गया था थोड़ा, जा रहा हूँ मार्केट सामान लेने, अभी भी देख रहे हो क्या हाल है डस्ट का, पता नहीं भाई ये कैसे साफ होगा, अभी कितना दिन लगेगा, क्योंकि इसने तो भाई इसमें तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है, ये देख रहे हो इसमें क्या हाल है।
अभी तो इसमें बता दो भाई, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हाल है डस्ट का। तो भाई बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत भाई। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यार गाड़ियां बहुत गंदी हो रही हैं, गाड़ियों का तो बहुत बुरा यार हिसाब किताब है। गंदी हो जाती है, फिर साफ करो तो एक एक दिन में दो दो बार साफ करना पड़ जाता है ये इस डस्ट की वजह से। देख रहे हो सारी गाड़ियाँ भी साफ करके यहाँ पे बंदे, और ऊपर से यहाँ पे काम भी लगा पड़ा, ये हाल है यहाँ पे। ओ भाई साहब बहुत बुरा हाल है। अभी जा रहा था मैं मार्केट सामान लेने, लेकिन अभी देख रहे हो रोड खाली है आज भी, क्योंकि डस्ट है तो इस टाइम भी कोई निकलेगा ही नहीं, और नहीं तो ऐसे लोग घूमते रहते हैं। आज भी बहुत कम ही लोग निकल रहे हैं ऐसे डस्ट में। देख रहे हो भाई यहाँ पे गाड़ी साफ़ करने में लगा पड़ा है, ये देख रहे हो ये भाई गाड़ी मेहनत साफ़ कर रहा है। भाई बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत साफ़ करने में गाड़ी, यहाँ पे तीन तीन गाड़ी चार चार गाड़ी साफ़ करो। हर घर में यहाँ पे गाड़ी सफाई चल रही है। देख रहे हो पानी पानी, जिधर से भी निकलोगे जिस एरिया में उस एरिया में तुम्हें पानी पानी दिखेगा। यहाँ पे हर जगह गाड़ियाँ लोग साफ़ कर रहे हैं अपनी अपनी। ओ भाई अभी रूम पे आ गया हूँ यार, इतना बुरा हाल है भाई, इतना बुरा हाल है रोड पे, मैं क्या बताऊँ। बाहर निकलने में ना मास्क हटा के सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही, सारा नाक और मुँह में घुस रहा है पूरा, कह रहा हूँ बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई। ये डस्ट देखता हूँ कब ख़त्म होता है यार। यहाँ तो अपने गांव में जैसे कोहरा वगैरह खूब नहीं गिरता है कि कोहरा गिर रहा हो और जो सामने बिल्डिंग ना दिखाई दे, तो वही वाला हाल यहाँ है कि यहाँ मिट्टी बरस रही है और सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बुरा हाल है यार। अब जब काम पड़ेगा मैं तभी निकलूँगा, अभी तो रूम वैसे भी मैं फालतू निकलता भी नहीं हूँ, लेकिन आज तो खास कर यार बहुत ज़रूरी है, ड्यूटी जाना हुआ तभी निकलूँगा। अभी तो अब निकलूँगा नहीं, अब चल रहा हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद, क्योंकि टाइम बहुत लगा, गाड़ी 2-2.5 घंटा गाड़ी साफ करी, नहाया धोया खाना बनाया रोटी लेकर आया हूँ, अब चल रहा हूँ खाना वाना खाता हूँ। खाना खा के अब चुपचाप करूँगा आराम, शाम तक देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। तो भाई मैं अब रात में निकला हूँ, आज पूरे दिन में निकला नहीं, तो इतनी टाइम जाके अब देखो पीछे कुछ कम हो गया है, अब इस टाइम थोड़ा कम हुआ है तो अब निकला हूँ। काम तो था मुझे दिन में ही, लेकिन मैं दिन में इसलिए नहीं निकला। और अभी इस टाइम पे देखो बिल्कुल मुश्किल से थोड़ा रह गया है, और रात को तो भाई साहब इस टाइम पे, कल रात को तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इस टाइम पे थोड़ा रह गया है, लेकिन सुबह तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो अब निकला हूँ, जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे सामान लेना है, इसलिए मैं दिन में नहीं निकला। मैंने कहा बाद में सामान लाऊँ, क्योंकि बहुत बाहर निकलो भाई साहब बहुत दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। देख रहे हो अब तो जाके अब थोड़ा सही हो गया है, अब थोड़ा देख रहे हो ये अब साफ दिख रहा है। यहाँ पे देखो बिल्लियाँ, बहुत बिल्ली भाई साहब, यहाँ पे बिल्ली बहुत है, देख रहे हो यहाँ पे खड़े हो तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे, ये सोचेंगे कुछ खाने वाने के लिए लाए हो। ये देखो बिल्ली, यहाँ पे बिल्लियों का अंबार है। क्या हाल है, ठीक हो? ये देख रहे हो यहाँ पे बिल्ली बहुत है भाई साहब, बिल्लियाँ तो यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन खाने को यहाँ मिलता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे बिल्ली खाना नहीं मिलता, लेकिन खाने को हर चीज़ मिलता है, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ इनको दी जाती है। तो देख रहे हो यहाँ घूम रही गाड़ी का आसपास घूमती रहती है, जैसे कोई निकलेगा तुरंत आ जाएगी भाग के। कल रात में गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही थी यहाँ पे रोड पे, इस रोड पे मैं कल आया था, चल रहा था भाई, तो यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं नज़र आ रही थी। आज देखो यहाँ धुंध ख़त्म हुई, देखो आज गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ लोग निकल गए क्योंकि धुंध डस्ट बिल्कुल भी कम हो गए ना, तो आज इस टाइम पे देखो लोग भरमा रहे हैं, नहीं तो कल तो यहाँ एक बंदा ना बंदे की जात कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। आज देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है। सुपरमार्केट आया था भाई, अपने को ये दूध लेना था लॉन्ग लास्टिक वाला, और ये होता है अपना 15-20 दिन जब तक रखे रहो ख़राब नहीं होता है, तो यही आया था लेने के लिए सुपरमार्केट से। अब इसको ले लिया, अब चलता हूँ सीधा रूम। तो भाई मैं सामान ले आया हूँ, सामान भाई सारा ले आया हूँ, अब आ गया हूँ रूम पे। आज भाई इस टाइम पे थोड़ा ठंडा हो गया है मौसम, तो अब सीधे चलता हूँ भाई रूम पे, क्योंकि अभी इतनी टाइम लगने लगी है मेरे को ठंडी, तो चल के अब खाना वाना खाता हूँ, क्योंकि अभी मैंने खाना भी नहीं खाया और रोटी वोटी तो ऐसे ही रखी हुई है, अभी चल के पहले खाना खाता हूँ। इस वीडियो का एंड करने से पहले आप लोगों से भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर हमको दीजिए इजाज़त, तब आपको मिलता हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।